आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारे कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और सुनते रहिए आज के विंटर स्पेशल हॉरर स्टोरी की दो ऐसी घटनाएं, चकवा और अनोखी कैमरा। शुरू करते हैं आज पहली कहानी से, चकवा। चकवा का मतलब होता है छलावा। दोस्तों, छलावा क्या होती है अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को एकदम से पता चल जाएगा कि छलावा क्या चीज़ है। चलिए दोस्तों, देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, चकवा। जो हास्य है हम सभी उसी पर विश्वास करते हैं। जिनकी गुत्थी विज्ञान सुलझा चुका है, जो हमारी बुद्धि और तर्क शक्ति के दायरे में है, हमारे लिए वही सत्य है। परंतु सत्य और असत्य की कसौटी से परे भी ऐसा कुछ है जो हमको अपना आभास कराता है, लेकिन उनमें भी एक सबसे अजीब प्रकार है, चकवा। गांव के पुराने लोगों को इस चकवा के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। चकवा एक ग्रामीण शब्द है जिसका अर्थ है छलावा, चकमा देने वाला। छलावा के बारे में लोगों की ऐसी मान्यता है कि यह सिर्फ आपके किसी पहचान के मित्र या रिश्तेदार के वेश में ही आपको हस्तगत होते हैं और मात्र एक या दो बार ही आपका नाम पुकारते हैं। यह कभी तीसरी आवाज नहीं लगाते। एक बार मैं अपनी मौसी के यहाँ उनके गांव गया था। नसरुल्लागंज से 20 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव पड़ता है, जहां से एक कच्चा रास्ता जो अब वर्तमान में पक्की सड़क का रूप ले चुका है, लगभग 10 किलोमीटर अंदर को पैदल या बैलगाड़ी या साइकिल से आप कुछ ही देर में बौरखेड़ा गांव पहुंच जाते हैं। अब तो खैर वहां पक्की सड़क बन गई तो तमाम आवागमन में के साधन मौजूद हो गए। मैं काफ़ी समय पहले गया था, तब वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बारिश में तो उस रास्ते पर चलना और भी दुभर हो जाता था। जब मैं अपने भैया के साथ गया था तब बारिश का मौसम तो नहीं था, पर सर्दी के दिनों में मावठा गिरने से वैसा ही वातावरण बन गया। हम लोग गोपालपुर पहुंचकर बैलगाड़ी का इंतज़ार करने लगे। बैलगाड़ी के आते ही हम लोग रवाना हो गए। बरसात में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और खुशकोले लेकर चलती बैलगाड़ी का आनंद मन को रोमांचित और उल्लासित किए जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। उसी रास्ते से होते हुए हम शाम तक बौरखेड़ा पहुंच गए थे। सबसे मिलने की रस्म अदा करने के बाद खाना वगैरह खा पी कर हम सो गए। गांव में रात को 8 से 9 बजे ही सो जाते थे, क्योंकि बिजली सिर्फ दिन में 4 से 5 घंटे ही आती थी। शाम को 5 के बाद पूरी रात लालटेन मोमबत्ती के रोशनी में ही गुजारनी पड़ती थी। क्योंकि मैं बहुत कम ही ग्रामीण अंचलों में गया था, सो ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। मुझे फोटोग्राफी करना और वीडियो बनाने का शौक बचपन से ही है, पर जब वीडियो कैमरा अपनी पहुँच से दूर हुआ करता था तो इसलिए मन के भड़ास सिर्फ फोटो खींचकर ही निकालनी पड़ती थी। यकीन मानिए, यदि उस समय मेरे पास वीडियो कैमरा होता तो मैं जीवन के हर पड़ाव को एक उत्सव की भांति उसमें कब का कैद कर चुका होता। उस समय सिर्फ कोडेक का मात्र एक कैमरा था मेरे पास। जहां भी जाता अपना कोडेक के भी 10 कैमरा ले जाना नहीं भूलता था। विचित्र जगह जंगलों में फोटो खिंचाना मुझे बहुत भाता था। तो अब किस्से पर आते हैं। अगले दिन वहाँ के मेरे हम उम्र लड़कों से मेरी पहचान और दोस्ती करा दी गई, जिनके जिम्मेदारी मैं जब तक वहाँ था मुझे घुमाने फिराने और मेरे साथ समय बिताने की थी। मैंने वहाँ के खेतों, पहाड़ों, रमणीय स्थलों, प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों का खूब भ्रमण किया, बहुत आनंद लिया। रोज कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बन ही जाता था। एक दिन हम लोगों का प्रोग्राम डोडखेड़ा गांव जाने का बना, जहां मेरी एक रिश्तेदार और रहते थे,
सोचा वापिस जाने से पहले उनसे और मिलाऊं। हम लोग बस से ना जाकर भैया के मोटरसाइकिल से निकले। डोटखेड़ा उस समय हरसूद से होकर जाना पड़ता था। बाद में जलमग्न होने पर अब छनेरा से होकर जास्ता जाता है। जब हरसूद में थोड़ा ब्रेक लेकर डोटखेड़ा की ओर निकले तो तब तक शाम हो चुकी थी। वैसे तो हरसूद से कुल एक घंटे में डोटखेड़ा पहुंच जाते हैं, पर उस दिन हमारे साथ न जाने क्या हुआ कि हम रास्ता भटक गए। ऊपर से हमारा दो बार बुरी तरह एक्सीडेंट होते होते बचा। घूम फिर कर वापिस उसी रास्ते पर आ जाते। इधर अंधेरा होने का था। मैं रह रहकर भाई साहब से बोलने लगा कि हमको बस से जाना चाहिए था। जब रास्ता नहीं पता था तो मोटरसाइकिल से आकर गलती की। भाई साहब भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। वो बोले कि मैं गाड़ी से पहले 2 से 4 बार आ चुका हूँ, पर आज पता नहीं क्या हो रहा है, हम बस रास्ते पर चले जा रहे थे। ना कोई गांव दिख रहा था, ना ही कोई इंसान था, तो बस वो रास्ता। शाम के 7 बजने को आए, पर हम डोटखेड़ा नहीं पहुंचते। बस मसन गांव और धंधी के बीच ही घूमते रहे। जैसे तैसे हिम्मत कर हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ देर बाद सामने एक बैलगाड़ी आती दिखी। उसे देखकर हमको कुछ हिम्मत आई। जब हमने उससे रास्ता पूछा और अपनी परेशानी बताई तो वो बैलगाड़ी वाला बोला कि होता है इस रास्ते पर 14 अमावस अक्सर ऐसा ही होता है। दुर्घटनाएं होना आम बात थी, पर फिर उसने जो तरीका बताया वो मुझे बड़ा अजीब और हास्यास्पद लगा। उसने कहा कि आप लोग एक काम करो, यहाँ रुककर रास्ते के किनारे पर पेशाब कीजिए और फिर उस पर अपना पांव रखकर सीधे गाड़ी चालू कर निकल जाइए। उस समय उस जगह उसके बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने वैसे ही किया। फिर लगभग 20 से 25 मिनट बाद एक मोड़ दिखा जहाँ से डोटखेड़ा का रास्ता जाता था। उस मोड़ को देखकर मेरे भाई साहब को रास्ता याद आ गया और हम सही सलामत गांव पहुंच गए। उस समय तो गांव में लोग लगभग सो चुके थे, सो हम भी खाना वगैरह खाकर सो गए। रात में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे 2 बार अतुल अतुल आवाज़ दी। वो आवाज़ मुझे अपने भैया की लगी, जबकि वो तो मेरे पास ही सो रहे थे। मैं वहम समझकर सो गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर आवाज़ आई। मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो ओटले पर जैसे भैया बैठे देखे। अंधेरे में चेहरा ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रहा था, पर दूर से भैया जैसे ही लग रहे थे। मैंने वापस पीछे कमरे में देखा तो भैया वहीं सोए पड़े थे। मैं भी कुछ कुछ डर गया, हिम्मत नहीं हुई तो चुपचाप सो गया। सुबह जब सब लोग उठे और आगे दिल्लान यानी कि गांव में घर के अंदर एक सिर्फ छत ढली चारों तरफ से खुली जगह को दिल्लान कहते हैं, मैं बैठकर चाय पी रहे थे, तब हमने वो शाम वाला वाक्या सबको बताया। सुनकर सभी चकित तो हुए, पर उन्होंने इसे सामान्य घटना बताया। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आपको चकवा लग गया था जिसमें इंसान भ्रमित होकर भटक जाता है। आप 2 लोग थे तो इतने समय भटक कर भी सुरक्षित रहे, यदि अकेले होते तो कोई ना कोई दिख भी सकता था। यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है, वो तो आपके माता पिता के कर्म अच्छे कह लीजिए या किस्मत, जो वो बैलगाड़ी वाला मिल गया और आपको रास्ता बता दिया, वरना कोई घटना भी घट सकती थी। मुझे डरता देखकर उनकी बात सुनकर वहाँ बैठे बुजुर्गों ने उन भैया लोगों को डांट दिया, क्यों फालतू में डर फैला रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता। उनके इतना कहने पर ही वहाँ बैठे लोगों में वापस में बहस होने लगी। एक वक्त इसे सत्य और दूसरा फसाना बताने में लगे थे।
बाद में जब मैंने किसी के रात में मेरा नाम लेकर आवाज़ देने की बात कही तो आधे लोगों ने इसे भी वहम बताया, जबकि मुझे स्पष्ट आवाज़ आई थी। खैर, वहाँ इस बात पर ज़्यादा बहस करने के बजाय हम वापस बोरखेरा की ओर निकले। वापस आकर जब हमने बोरखेरा में ये बात बताई तो वहाँ भी एक भैया ने तो मैं और डरा दिया। वो बोले कि हाँ, आपको चकवा लग गया था, इसलिए आप उसी जगह गोल गोल घूमते रहे। और जब उस बैलगाड़ी वाले ने आपको बताया कि आप पेशाब करके उस पर पैर रखकर आगे बढ़ो तो आपको आगे जाकर वो मोड़ नज़र आ गया और आप सही जगह पहुंच गए, वरना यदि रात ज़्यादा होती तो आपको चकवा इंसानी रूप में दिख भी सकता था। ये अच्छा हुआ कि आप दो लोग थे। ये चीज़ें स्थानीय लोगों को इतना परेशान नहीं करती, पर इंसानों को देखकर उनके पीछे लग जाती है। अतुल भाई को रात में जो दो बार आवाज़ आई, ये वहीं चकवा की होगी। आप लोगों को देखकर आपके पीछे पीछे वहाँ तक आ गया होगा। यदि अतुल भाई उस आवाज़ को अपना रिस्पॉन्स दे देते और उठकर उस दिशा में चले जाते तो फिर इनको कोई नहीं ढूंढ पाता। उसके बाद उन भैया ने उनके साथ घटी एक पुरानी घटना भी बताई। जब वो एक जगह घूमने गए थे और वापस धर्मशाला में आकर रुके तो रात को उनको उनके ही एक साथी की आवाज़ आई, तो उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा था। जब उन्होंने उठकर देखा तो उनको दिखने में तो वो उनका ही साथी लग रहा था, पर आँख बार बार झपक रहा था। और जब उसके पैरों पर नज़र पड़ी तो उसके पैर उल्टे दिखे। ये देखकर वो घबरा गए, पर चूंकि वो बचपन से गांव में रहे थे इसीलिए हिम्मत दिखाकर जोर से आवाज़ देकर सबको जगा दिया। और जैसे ही सब जागे उसके बाद वो फिर वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उनकी बात सुनकर मैं डर गया। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उन भैया की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि चकवा ने आपको देख लिया था और आपके पीछे पीछे वो भी वहाँ पहुँच गया। बस उन भैया की ये बात मुझे अंदर तक इतना डरा गई कि मैं वहीं सोचता था। और सुबह तक तो मुझे बुखार आ गया। जब मौसी जी आए और उनको ये बात पता चली तो वो उन भैया पर इतना नाराज़ हुए, बता नहीं सकते। आधे घंटे तक मेरे मौसा जी ने उन भैया की ऐसी क्लास ली, खामा खा बच्चे को डरा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में मौसी ने मुझे गूगल का धुआं दिया और नज़र उतारी। वापिस भोपाल आ तो गया, पर काफ़ी समय तक उसी किस्से के बारे में सोचता रहता। आज भी जब वो घटना याद आती है तो मैं अंदर तक सिहर उठता हूँ। उसके बाद तो न जाने कितने लोगों ने उन भैया के बात को सही ठहराया होगा। वैसे ये आवाज़ वाली घटना तो आज भी मेरे साथ कभी सभी होती ही रहती है। जब मैं अपने रूम में बैठे कुछ काम कर रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी ने आवाज़ दी हो या पापा आवाज़ देकर बुला रहे हों। और जब मैं बाहर निकल कर देखता हूँ तो कोई दिखाई नहीं देता। नीचे जाकर पूछने पर सभी मना कर देते हैं कि तुझे तो किसी ने नहीं आवाज़ दी, तेरा वहम होगा। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी, चकवा यानी छलावा? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी। ये दूसरी कहानी भी कुछ अनोखी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है अनोखा कैमरा की। कई साल पहले की बात है, जब मैं, मेरा भाई अपने माता पिता के साथ एक खूबसूरत से नगर पालमपुर में रहते थे। यहीं 3-4 साल पहले हमने वो नगर छोड़ दिया था। बात उन दिनों की है जब पालमपुर में बहुत ठंड थी। हम बहुत खुश थे। पिताजी और मेरी माँ दोनों मिलकर गुजारे जितना कमा लेते थे। मेरा मेरे भाई के साथ रिश्ता बहुत ही गहरा था। मेरा भाई जैसे मेरे लिए सब कुछ था। उस पर इतना विश्वास और प्यार था कि किसी सिकवे की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी। भाई मेरे से 2-2.5 साल भी बड़ा था। हम थोड़ी शरारतें करते रहते थे, वैसे ही एक दूसरे को चिढ़ाते रहते थे।
बस एक दूसरे की शरारतें पिताजी को बताने में हमें मजा आता था और हमारी माँ हमें हमेशा रोकती रहती थी। उन्हीं दिनों में नवंबर महीने के बाद है, मेरा जन्मदिन आया। घर में सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत उत्साहित था। मुझे अपने दोस्तों को अपने घर बुलाने का शौक था और उनके साथ मस्ती करने का। पिछले साल दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं जन्मदिन नहीं मना पाया था। इस बार मैंने माँ को मना लिया था। घर में सब बहुत खुश थे। मैं और मेरा भाई रोज कोई नई योजना बनाते हैं, पर मैं रोज भैया से एक अच्छे तोहफे की मांग करता और वो मुझे ऐसे ही बातों में लगाकर छोड़ जाते। मेरा भाई भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वो रोज सोचता था कि क्या तोहफा दूँ। पिछले 2-3 सालों से उन्होंने मुझे सिर्फ कार्ड ही बना कर दिए थे। मैंने बोल दिया था कि इस बार कार्ड नहीं लूँगा, कोई अच्छा तोहफा लेकर आना। अब मैं 15 साल का हो जाऊँगा, कोई छोटा नहीं हूँ जो कुछ भी उठा कर ले आओगे। बस ऐसे ही हम एक दूसरे को चिढ़ाते रहते। मैं सुबह उठा, आज 21 तारीख थी, मेरा जन्मदिन था। मैंने अपने सब दोस्तों को फ़ोन करके शाम को 5 बजे घर पर बुलाया। मैंने भाई से कहा कि तुम भी अपने किसी दोस्तों को बुला लो। हर्ष मेरे भाई का सबसे अच्छा दोस्त था, भैया ने उसको भी बोल दिया। माँ रसोई में काम कर रही थी, हम सब मिलकर मस्ती कर रहे थे। मेरी नज़र भैया के तोहफे पर थी, मुझे लग रहा था कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आए हैं। हमने खूब मस्ती की, सब दोस्तों ने मुझे अच्छे अच्छे तोहफे दिए और मेरे भैया ने भी मुझे तोहफा दिया। मैं सबसे ज़्यादा उत्सुक अपने भैया का तोहफा खोलने के लिए था, पर माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं, कुछ समय बाद खोल लेना। मैंने पिताजी को भी बताया कि भैया ने मुझे तोहफा दिया है, वो बहुत खुश हुए। हमने रात को सबके तोहफे खोले, फिर मैंने भैया का दिया तोहफा खोला। इसमें एक अजीब सा कैमरा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैमरा था या कोई दूरबीन। उसकी बनावट बिल्कुल अलग थी, जैसे बहुत मजबूत और पुराना हो। मुझे इतना भी खास ना लगा, परंतु भैया ने कहा कि ये बहुत खास कैमरा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त के पिता से इसको लेकर आया हूँ, तो मैं हैरान हो गया कि इसमें क्या खासियत है। उसने कहा कि ये कैमरे में जो भी तस्वीर लेते हैं वो साथ में ही बाहर आ जाते हैं। मैं ध्यान से सुन रहा था, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। हम बार बार उस कैमरे को देख रहे थे। मैंने भैया से पूछा कि तुम्हें ये कैमरा कहाँ से और कैसे मिला, तो भैया ने बताया कि मैं जब मेरे दोस्त के घर जाता था, उसके दादाजी के सामान में मुझे ये कैमरा बहुत अजीब लगता था। मेरा मन था कि मैं इसको घर ले जाऊँ। उसके दादाजी ने बहुत सारा पुराना सामान संभाल कर रखा हुआ था, परंतु अब उसके दादाजी नहीं रहे। उसके पिताजी कुछ सामान बेच रहे थे और कुछ सामान ऐसे ही गिरा रहे थे, तो मैंने अपने दोस्त से इस कैमरे को लेने की इच्छा की। तो उसके पिताजी ने बोला कि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, ये तो दादाजी का सामान में ऐसे ही पड़ा मिला था। लेकिन हाँ, वो इसको इस्तेमाल नहीं करते थे, वो हमेशा कहते थे कि ये किसी वैज्ञानिक का कैमरा है जो जापान से आया था, परंतु हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ऐसे ही रखा हुआ था। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम ले जाओ। बस इतना सुनते ही मैंने उनको इसकी कीमत दी और ये कैमरा ले लिया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये साथ में ही तस्वीर निकाल देता है। मैंने बाहर से इसको थोड़ा सही करवा लिया और इसका रंग रूप भी चमका दिया। मैं ये देखना चाहता था कि ये किस तरह से तस्वीर निकालता है। इतने में माँ की आवाज़ आई, सो जाओ, अभी बहुत रात हो गई है, सुबह देख लेना। तभी हमने बत्ती बंद कर दी और लेट गए, पर मेरा ध्यान बार बार उस कैमरे की तरफ जा रहा था, जो कि कमरे में पड़ा भी अनोखा सा लग रहा था। मैं और मेरा भाई देर रात तक बातें करते करते कब सो गए हमें पता ही नहीं चला।
दूसरे दिन सुबह मैं उठा और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। मैंने भैया से कहा कि तुम जाना नहीं, हम अभी ये कैमरा देखेंगे। मैंने जैसे ही कैमरा उठाया और तस्वीर लेने के लिए उस पर क्लिक किया तो मेरे कानों में एक चीख की आवाज़ आई। मैं सहम गया। मैंने फिर से क्लिक किया। उस पर क्लिक करते ही हल्की सी चीख की आवाज़ कानों में आ रही थी। अभी तक तस्वीर नहीं निकली थी। मेरे भाई ने देखा कि तस्वीर क्यों नहीं निकल रही थी, तो उसने कहा कि इसको रख दे, मैं कल बाहर से सही करवा लाता हूँ। मैं सहम सा गया। मैं भागकर माँ के पास गया और माँ से कहा मुझे कैमरा नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब सा डर हो गया था। मेरा भाई उसको दिखा कर आया और बोला कैमरा तो सही है। मैंने फिर डरते डरते एक तस्वीर खींची तो फिर वही आवाज़ आई और हैरानी की बात यह है कि तस्वीर भी निकल आई। तस्वीर बहुत ही अच्छी थी। उस पर कुछ खून के निशान और काले काले धब्बे लगे थे। मेरी चीख निकल गई। माँ भागकर कमरे में आई और बोली क्या हुआ, क्या कर रहे हो। मैंने तस्वीर माँ को दिखाई। माँ ने कहा ये कैमरा बहुत पुराना है इसलिए ऐसी तस्वीरें निकल रही है, आप दोनों फिर से कोशिश करना। उसके बाद हमने बहुत सी तस्वीरें खींची। हर बार किसी तस्वीर पर खून लगा होता तो किसी पर काले धब्बे और किसी पर हल्की सी परछाई दिखती। जब क्लिक करते तो चीखने की आवाज़ भी आती। मैंने अपने भाई को कहा मुझे ये नहीं चाहिए, ये आप ही रखो। जब मेरे भाई ने इससे तस्वीर खींची तो उसके कानों में भी चीखने की आवाज़ आई और वैसे ही फोटो पर खून के निशान धब्बे दिख रहे थे। भाई ने कैमरा इतनी और जोर से पटका और भागकर माँ के पास चला गया। अब माँ भी सोच रही थी कि ये क्या हो सकता है। हम सब डर गए थे पर हम जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कैमरे को एकांत में रख दिया। कैमरा आ जाने के बाद घर में पूरी तरह से बेचैनी, तन्हाई और खौफनाक माहौल बन गया था। मैं जब घर पर अकेला होता तो घबरा जाता। माँ भी अकेली नहीं रहती थी। हमें हर समय हर तरफ खून दिखाई देने लगा था। हमने कई दिन तक उस कैमरे को हाथ नहीं लगाया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके वो कैमरा निकाला। सोचा अब तक शायद ठीक हो गया होगा। फिर मैंने तस्वीर खींचने को सोचा। मन नहीं था परंतु फिर भी हिम्मत जुटाकर वो कैमरा उठा लिया। मेरे भाई ने मुझे ऐसा करने से मना किया और कहा रख दे इसको किसी कोने में। मैंने कहा भैया अब तो ये ठीक हो गया होगा, शायद हमने सही इस्तेमाल ना किया हो। मेरा भाई कुछ समय के लिए चुप हो गया और माँ को हमने कुछ नहीं बताया। माँ ने कैमरे को छूने से भी मना किया था। मैंने कैमरा उठाया, इधर उधर से देखा और खिड़की के पास जाकर बाहर दिख रहे तालाब की तस्वीर खींचने लगा। पहले से भी अधिक तेज चीखने की आवाज़ मेरे कानों में आई और कैमरे के नीचे से तस्वीर निकली जिसे देखकर मेरा भाई बेहोश हो गया। तस्वीर में पानी की जगह खून का तालाब दिख रहा था और किसी लड़की के डूबने का आभास एक परछाई के जरिए हो रहा था। मैंने अपने भाई को संभाला और कैमरा फिर से पटक दिया। मैं अंदर से डरा हुआ था पर फिर भी अपने भाई को हिम्मत दे रहा था। भैया भैया उठो, मेरा भाई बार बार चिल्ला रहा था, कैमरा फेंक दो, कैमरा नहीं चाहिए। माँ ने हर्ष के पिता सुंदर अंकल से बात की और ये सब बताया। वो विश्वास नहीं कर रहे थे परंतु हैरानी से माँ की बात सुन रहे थे। सुंदर अंकल ने अपनी माँ से इस खूनी कैमरे के बारे में बात की जो कि हर्ष की दादी थी। उसने सुंदर को ऐसा करने के लिए बहुत डांटा क्योंकि दादी को सब पता था। दादी ने कहा यह कैमरा तेरे पिताजी ने जापान के वैज्ञानिक की अच्छी तकनीक समझकर रख लिया था, परंतु इसके खौफ और चीखने से हम भी डर गए थे। फिर कभी इस कैमरे को हमने डब्बे से नहीं निकाला और ऊपर किसी कोने में रख दिया। ये उस जापान के वैज्ञानिक का है जो भारत में घूमने आया था। ये उसने खुद बनाया था। उसने भारत की एक खूबसूरत और गरीब लड़की को बहुत परेशान किया और उसकी गलत और नहाते हुए तस्वीरें खींची। वो लड़की बेचारी बहुत परेशान थी, बार बार उससे तस्वीरें मांगती रहती और निराशा और चिंता ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा मानो इस कैमरे में कैद है।
जापानी कैमरे को अपने साथ नहीं ले जा सका। वो डर गया था। वो एक अपाहिज रूप में यहाँ से वापस गया और उसकी चीखें और जिस्म की परछाइयाँ जैसे इस कैमरे में इतने सालों से तड़प रही है। सुंदर अंकल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ये सब माँ को बताया। मेरा भाई इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस ज़माने में ऐसी बातें नहीं होती कि कोई रूह या आत्मा किसी चीज़ में कैद हो। तब मैंने समझाया कि जब किसी लाचार और गरीब लड़की की बददुआ लगती है और कोई अंदर से तड़पता है तब जमाना नहीं दिखा जाता। जब किसी की रूह तड़पती है तो वो ना तो रात का अंधेरा देखती है और ना ही दिन का सवेरा। हमारी आंखों में आंसू आ गए थे और हमने उस कैमरे को तोड़कर किसी ऐसी जगह पर फेंक दिया जहाँ से उस लड़की की रूह आज़ादी से निकल सके और उसको कोई परेशान ना करे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी भी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और नए इस तरह की किस्से के साथ। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा क्रिसमस स्पेशल्स वीडियो दोस्तों। यस दोस्तों, क्रिसमस स्पेशल वीडियो आने वाला है। चलिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए विंटर स्पेशल वीडियो को और इंतज़ार कीजिए मेरा क्रिसमस वीडियो स्पेशल को भी। तब तक के लिए बाय।